हेलो स्टूडेंट्स, आज असी पढ़ांगे फुल दे पाक। तो बच्चों, फुल पौधे का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जेड़ा पौधे नूं आकर्षित बनाउंदा है। इस दे विच जनन क्रिया करवाउण दे विच सहायक हुंदा है। बच्चों, एक फुल दे चार भाग हुंदे हन, हरी पत्ती, रंगदार पत्ती, पुंग केसर जिसनू असी नर भाग भी कहने हां, नर भाग पुंग केसर जेड़ा है किसी भी फुल का नर भाग हुंदा है। ते चौथा भाग है इस्त्री केसर जिसनू असी मादा भाग भी कहते हैं। तो बच्चे, असी एक एक करके जिहड़े इस फुल दे चार भाग हुंदे हन उन्हां बारे पढ़ांगे। मैं एक छोटा जिहा फुल तुहाडे लई डेमोंस्ट्रेशन दे लई लैके आया हां, जिस तों तुहानूं इह क्लीयर हो जाएगा। ए देखो, एक छोटा जिहा फुल है, ऐ इस दीआं हरियां पत्तियां हन। हरियां पत्तियां तुसी देख सकदे हो, ऐ उपर वालियां जिहड़ियां ने रंगदार पत्तियां ने। ऐ देखो, थले हरियां पत्तियां, उपर जिहड़ियां पत्तियां ने ओह केहड़ियां ने, रंगदार पत्तियां। तो हरियां पत्तियां बेटे जिहड़ियां फुल दे विच हुंदियां हन, ओह इस दी फुल दी सुरक्षा दा काम करदियां हन। हरियां पत्तियां दा प्रोटेक्शन दा काम है, फुल दी सुरक्षा करदियां हन, रक्षा करदियां हन। दूसरे नंबर ते जिहड़ियां रंगदार पत्तियां ने, ओह वखरे वखरे फुलां च उहनां दे वखरे वखरे रंग हुंदे हन। लाल रंग हो सकदा है, पीला हो सकदा है, जामनी हो सकदा है, चिट्टा हो सकदा है। रंगदार पत्तियां दा काम की है? रंगदार पत्तियां बच्चो जिहड़े कीड़े मकोड़े ने उहनां नूं आकर्षित करन दा काम करदियां हन। फुलां दे विच रंगदार पत्तियां दा काम की है? जिहड़े कीड़े मकोड़े ने, मधुमक्खियां ने, उहनां नूं फुल वल आकर्षित करन दा काम करदियां ने। क्योंकि जिहड़े कीड़े मकोड़े ने, अगे जाके असीं पढ़ांगे, इह परागण दे विच सहायता करदे ने। पराग कणां नूं इक फुल तों दूजे फुल तक लैके जाण दा काम करदे ने। इह असीं परागण अगे जाके पढ़दे हां। फिलहाल असी पढ़ना है भी रंगदार पत्तियां दा की काम है। इह फुल नूं सोहणा बनाउण दे विच सहायक हुंदियां हन, आकर्षित बनाउण च सहायक हुंदियां हन। देखो, इह रंगदार पत्तियां जदों वेखने आ तां सानूं तां ही फुल जिहड़ा है ओह सोहणा लगदा है। ते रंगदार पत्तियां दा काम है अपने वल आकर्षित करना। अगला भाग बच्चो नर भाग, जिहनूं असी की कहने हां, पुंग केसर कहने हां। जिहड़ा रंग नर भाग है, ऐ तुसी फुल दे विच पतलियां पतलियां लंबियां लंबियां डंडेदार पंतरां हुंदियां हन, जिन्हां नूं असी पुंग केसर कहने हां। इह दो भागां दा बनिया हुंदा है। जिहड़ी लंबी डंडी तुसी देख रहे हो, इस नूं असी कहने हां फिलामेंट। उस दे उपर दो लोब वर्गी इक बंतर बनी हुंदी है, पराग कोश, जिस नूं असी पराग कोश कहने हां। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਪਰਾਗ ਕਣ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪਰਾਗ ਕੋਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਪੀਲੇ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਾਗ ਕਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਾਗ ਕਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਰ ਜਨਨ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਰ ਜਨਨ ਅੰਗ ਪਰਾਗ ਕਣਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਆਖਰਲਾ ਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸਤਰੀ ਕੇਸਰ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਭਾਗ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਬੰਤਰ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਮਾਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਫੁੱਲੀ ਹੋਈ ਬੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅੰਡਕੋਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਦਾ ਜਨਨ ਅੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
एक लंबी डंडी होंगी है बनकर जिन्हू असि स्टाइल कहने हा, उपर एक फुलिया हुआ भाग हों जिसनू स्टिग्मा कहते हैं। तो बचो ए सन फुल दे चार भाग। हुण बचो जेड़ा परागण हुंदा है, पराग कण जेड़े हन ओ एक पौधे दे एक फुल तो दूजे फुल तक भी जा सकते हन, या एक फुल दे विच भी परागण हो जांदा है, उसनू स्वै परागण कहने। जदों इको ही फुल दे विच पराग कण पुंग केसर तो नर भाग तो मादा भाग तक पहुंच जान, उस नूं असीं कहने हां स्वै परागण। स्वै परागण ते जदों पराग कण एक पौधे दे फुल तो दूजे पौधे दे फुलां तक पहुंचदे हन, उस नूं कहने हां पर परागण। पर परागण जेड़ा है हवा राही हो सकता है, जीव जंतुआ राही हो सकता है, कीड़े मकोड़िया राही हो सकता है, पानी राही हो सकता है। जदों ये परागण क्रिया हुंदी है तां उस वेले बच्चों की हुंदा है, जिहड़े पराग कण हन उन्हां दे विच मैं तुहानूं दस्सिया है जिहड़े जनन अंग हन नर जनन अंग हन ओ अंडकोश च मौजूद मादा जनन अंग नाल जदों उन्हां दा निषेचन हो जांदा है ते युग्मक जिहड़ा है ओ बनदा है। युग्मक जिहड़ा है जाइगोट जिहनूं असीं कहिंदे हां ओ बनदा है, जिस तों बीज तैयार हुंदा है ते उस तों इक नवां पौधा जिहड़ा है ओ तैयार हुंदा है। तो बचो इस तरह फुल दे विच जिहड़ी है ओ जनन क्रिया हुंदी है ते इस तों ही नवे बीज तैयार हुंदे हन, इस क्रिया तों ही ते अगो नवे पौधे जिहड़े हन तैयार हुंदे हन। ते अज दे इस टॉपिक दे विच असीं फुल दे भागां बारे पढ़िया है, फुल दे जनन अंगां बारे पढ़िया है। थैंक यू।